हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और तुम्हारा भाई भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़, पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ अपग्रेड पे डाला था, वो सब कंप्लीट हो चुका है। और मैंने अपने पिछले वार में वॉर की कंडीशन दिखाई थी। तो भाई आप वीडियो देख सकते हो जाके, और अब कंडीशन देखो भाई, 59-59 हो गए हैं दोनों के। भाई अपने बंदों ने धूम मचा दिया है। देखो अपना जो डैमेज है, जो टोटल डिस्ट्रक्शन है 98.90 है, और जो एनिमीज़ का है वो 98.10 है। तो अभी अपन आगे है, लेकिन 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 जो ये बंदा है ना एनिमी वाला, इसके दोनों अटैक बचे हुए हैं भाई। अगर इसने मेरा बेस 3 स्टार कर दिया ना, तो भाई टाटा बाय बाय हो जाएगी अपने स्पोर्ट में। कोई बात नहीं भाई, फिर भी हम काफ़ी अच्छा खेले। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, मेरे को क्या चाहिए बहुत सारा गोल्ड। और बहुत सारे गोल्ड के लिए मेरे पास है एक, क्या है, एक मैजिक आइटम्स यूज़ करेंगे ना भाई, स्टोरेज फिल करने के लिए। इसको रोन ऑफ गोल्ड को यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं वॉल्स अपग्रेड कर लेता हूँ कुछ, क्योंकि भाई हमें पता है वो तो हमें फुली मिलेगी ना, तो क्यों, इससे अच्छा है कि हमें जो बचा हुआ गोल्ड है उसका कुछ यूटिलाइजेशन ही कर ले अच्छा सा। ओके, नहीं भाई ये करते हैं अपनी वॉल्स। ओके, 2 वॉल्स और हो जाएगी, अभी 2 लाख बचा हुआ है, 1 और हो जाएगी। ओके, अब नहीं होगी भाई। अरे गजब यार, इससे ऊपर की एक लेवल और वॉल्स हम कर सकते हैं इसमें। तो अभी हम रून ऑफ गोल्ड यूज़ कर देते हैं। ओके यूज़, ये लो भाई 62 लाख आ गए हैं अपने खाते में। तो फटाफट इसको अपग्रेड करते हैं वॉल्स को। ओके, आज बहुत सारी वॉल्स अपग्रेड करनी है भाई इस वीडियो में, और फिर से वॉल्स को अपग्रेड कर देते हैं। ओके, एक बार और वॉल्स को अपग्रेड कर देते हैं। ओके, एक बार और कर देते हैं यार, मन कर रहा है एक बार और करने का। ओके चलो यार, नहीं एक बार और करते हैं भाई, एक बार और करते हैं वॉल्स को। ये लो भाई, ये लो। तो अपन ने भाई बहुत सारी वॉल्स अपग्रेड कर दी है, और अपने पास अभी गोल्ड बचा है 5 लाख। यार क्यों, ये मेरी आंखों में खटक रहा है 5 लाख गोल्ड। इसको भी यूज़ कर देते हैं भाई फटाफट। ओके ओके, ये लो भाई, एलिक्सर भी खर्च कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को गरीब बनना है भाई, एकदम बिल्कुल गरीब। ये लो भाई, एलिक्सर भी हमने ख़त्म कर दिया। अब अपन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा गरीब। ठीक है भाई, तो गरीब हो चुके हैं, अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अटैक पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मिलेंगे 12 लाख 12 लाख हमें लूट मिलेगी, तो फटाफट अटैक करते हैं 3 स्टार। फाइनली अपने को बेस मिल चुका है, और ये टाउन हॉल 9 का अच्छा बेस है, मतलब मैक्स बेस नहीं है, लेकिन हाँ टाउन हॉल 8 का तो मैक्स बेस है। तो इसमें स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहेगी, यहाँ से हम किंग और क्वीन को डाउन करेंगे तो इजीली इसको 3 स्टार पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक होग छोड़ के देखता हूँ सीसी में कुछ है क्या। तो भाई इसका सीसी एकदम खाली है, तो मैं इसकी क्वीन को डाउन करने के लिए भाई कुछ ऐसे सोच रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पेल डालूंगा। ओके, तो क्वीन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगी, इसके ऊपर 3 विज़ार्ड आराम से ले जाएगा भाई, मेरे को पता है। राजा के ऊपर फ्रीज, उसके ऊपर विज़ार्ड। ओके ओके, ठीक है भाई, ये इजी आ गया, किंग भी गया। ठीक है भाई, अभी क्या करते हैं, यहाँ से हम अपना किंग छोड़ते हैं, किंग इधर से पूरे डिफेंस को ले जाएगा इसको। ओके, और यहाँ से इधर से हम अपनी क्वीन डालते हैं। ओके, यहाँ से हम अपने 1 2 3 4 5 होग, 1 2 3 4 5 इधर से, बाकी के होग इधर से, और रैम राइडर इधर से। ओके, अब अपन हीलिंग स्पेल अच्छे से डालेंगे, एक हील यहाँ पे भाई, वहाँ पे होग हमारे मर गए सारे, हम हील नहीं डाल पाए। पीछे से अपन आर्चर डाल देंगे। ओके, और ये लास्ट वाली हील अपन यहाँ डालेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये अटैक हमारा इजी 3 स्टार हो गया। काफ़ी अच्छा अटैक यार, काफ़ी अच्छी आर्मी है, सबसे मेन तो आर्मी है ये, जो होग वाली आर्मी है ना भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है ना टाउन हॉल 8 और 9 पे, इसका कोई मुकाबला नहीं है भाई टाउन हॉल 8 और 9 पे। आप किसी भी बेस को इजीली, आप मेरे वॉर अटैक्स भी देखते होगे, मैं इजीली 3 स्टार कर देता हूँ, मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती टाउन हॉल 8 के बेस पे, 9 के बेस पे हो जाता है। और देखो कितनी अच्छी लूट थी इस बेस पे, 7-8 लाख एलिक्सर थी, और गोल्ड भी अच्छा खासा था। और एबिलिटी दे देते हैं भाई किंग और क्वीन की, फटाफट इसको 3 स्टार करते हैं, इतना टाइम किस चीज़ का। ओके ओके, तो ये बेस हो चुका है अपना 3 स्टार। और देखो भाई आर्मी देखो कितनी बची हुई है,
अच्छी खासी आर्मी एक बार और उस बेस को तोड़ सकती है, बेस बता रहा हूँ, बेस को तोड़ सकती है, इतनी आर्मी बची हुई है अपनी। तो 450 एलेक्जर, ये सॉरी एलेक्जर बोल रहा हूँ, स्वीट एलेक्जर यहाँ से मिल गई हमको, और यहाँ से साइनी और मिल गई अपने को 1200। इसको देखते हैं भाई जिंजर ब्रेड बेकरी में कुछ होता है क्या इससे अपग्रेड। ओके यहाँ से देखते हैं हो पाएगा कुछ, नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा। क्वीन की देखते हैं, क्वीन की करते हैं यार। ओके हो गया, होगी क्वीन अपनी, ठीक है भाई ठीक है। 782 और बची है, इससे कुछ हो सकता है, हो सकता है भाई इजीली, ये आर्चर पपिट हो सकते हैं, बहुत सारे अपग्रेड। एक बार और करते हैं लेवल 4 के लिए करते हैं। ओके लेवल 4 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा भाई, अभी 22 ही बची है हमारे पास, तो इससे ज़्यादा तो अपग्रेड नहीं हो पाएगा। तो गाइज अभी क्या करते हैं अपन, एक अटैक के लिए और प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अपने पास लूट अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फटाफट अपन रिक्वेस्ट डाल देते हैं और देखते हैं सीसी ट्रूप लेते हैं, तो मिलते हैं फिर भाई। फाइनली गाइज अपने सीसी ट्रूप आ चुके हैं और अपनी आर्मी भी रेडी है, तो चलते हैं फटाफट एक और अटैक के लिए, और इसमें भी हमें लूट के लिए अटैक करना होगा, अच्छी लूट के लिए। उसी बेस पर अटैक करेगा जिसके पास काफ़ी अच्छी लूट होगी, मतलब 3-4 लाख एलेक्जर और गोल्ड ऐसा कुछ होगा, उसी पर करेंगे। देखते हैं भाई ऐसा बेस मिलता है क्या, बेस भी मिलना तो मुश्किल है यार, मेन तो बात यही है ना। तो गाइज अगर कोई भी आप सब में से, मतलब मेरे क्लैन में, ओके ओके भाई बाद में बताता हूँ, इस पर अटैक करते हैं, इस पर अच्छी खासी लूट है, 5 लाख के आसपास एलेक्जर है, 5 लाख के आसपास ही गोल्ड है। सबसे पहले ये फुल मैक्स बेस है टाउन हॉल 8 का, इसके हम इसकी क्वीन कहाँ पे है, अपग्रेड पे है किंग। ओके इसकी क्वीन तो है ही नहीं टाउन हॉल 8 पे, क्वीन तो होती नहीं यार, मैं क्या देख रहा हूँ। सीसी ट्रूप्स देखते हैं, कुछ नहीं है भाई सीसी ट्रूप्स में। देखो भाई इसको कैसे 3 स्टार करना है, अब देखो तुम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बाकी के ओग्राइडर इधर से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रैम राइडर इधर से, एक हील स्पेल, एक हील स्पेल यहाँ पे, एक हील स्पेल यहाँ पे रैम राइडर के ऊपर। ओके इधर से विजर्ड सारे, ठीक है भाई इधर से किंग, इधर से क्वीन, इस कंपार्टमेंट को क्वीन ले लेगी, इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर लेगी तब तक। यहाँ पे एक फ्रीज, ओके एक स्पेल का स्वैग मार दूँ, ठीक है भाई इजी 3 स्टार भाई। देखो भाई फुल मैक्स बेस था, इजी 3 स्टार हो गए अपने अभी, और इसके पास लूट भी काफ़ी अच्छी थी। तो गाइज अभी मैं किंग और क्वीन की एबिलिटी भी दे देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी इस बेस को ख़त्म करे, फालतू का टाइम ना ले भाई। कितनी अच्छी आर्मी है ना भाई, और देखो कितनी ज़्यादा आर्मी बची हुई है अभी मेरी, काफ़ी आर्मी बची हुई है, मतलब मेरी 80% आर्मी भी बची हुई है, और देखो कितनी जल्दी इस बेस को ख़त्म कर दिया भाई। ठीक है भाई ये भी अपना 3 स्टार आ गया, और यहाँ से अपने को मिल चुकी है लूट, स्टार बोनस मिल चुका है, स्टार बोनस को हम कलेक्ट करते हैं फटाफट ट्रेजर में से। ओके आ गया अपना स्टार बोनस, तो अब इसको देखो मैं किस चीज़ में यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपना अपग्रेड करता हूँ एक्सबो लेवल 2 के लिए। ओके ये हो गया भाई, इसके होने के बाद मैं अभी डिफेंसिस पे नहीं जाता, डिफेंसिस से अच्छा है कि मैं अपना अपग्रेड करूँ एलेक्जर स्टोरेज लेवल 10 के लिए। ओके क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा लूट होने वाली है। ठीक है भाई ठीक है, अब फिर मैं इधर क्या करूँगा, दूसरा डिफेंस क्या करूँगा भाई, मैं एक्सबो करूँ, नहीं एक्सबो नहीं करना है मेरे को, मेरे को जो दूसरा डिफेंस करना है वो डिफेंस नहीं करना है, आर्मी कैंप करना है। 2 दिन का टाइम लेगा आर्मी कैंप, 15 लाख एलेक्जर में है, चलो भाई इसको कर देते हैं, क्योंकि आर्मी कैंप से आर्मी ज़्यादा ले सकता हूँ फिर मैं। इसको अपग्रेड करेंगे, एक बिल्डर यहाँ पे कंटिन्यू लगाएंगे, वो करेंगे फिर। ओके जिंजर ब्रेड बेकरी में अपने को कुकी ट्रूप मिल चुका है भाई, अब कुकी ट्रूप का भी दम खम देखते हैं भाई, ये एक बार में ही ख़त्म कर देते हैं सबको। चलो तो भाई ट्रेन कर देते हैं आर्मी अपनी, और यहाँ पे अपन इसकी जगह एक कुकी ट्रूप ले लेते हैं, 2 आर्चर कम करते हैं, 1 रैम राइडर कम करते हैं, 1 और कुकी ट्रूप ले लेते हैं, 1 विजर्ड, 2 आर्चर फिर से ऐड कर लेते हैं। ओके तो भाई अपना मेन विलेज का काम तो हो चुका है, अपग्रेड का सब कुछ एकदम सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं हम बिल्डर होल में, बिल्डर होल की कंडीशन कुछ ऐसी है, अपने मिनियन अपग्रेड पर लगे हुए हैं जो कि हमने लगाए थे पिछली वीडियो में, और यहाँ पे अपन को अभी कुछ डिफेंस अपग्रेड करना होगा। तो डिफेंस अपग्रेड करने के लिए भाई अपने को लूट चाहिए, लूट करने के लिए अपने को अटैक करने होंगे, तो फटाफट एक अच्छा सा अटैक करते हैं।
ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसा कुछ बेस है तो इस पे 3 स्टार आ पाएगा क्या गाइस? इस पे 3 स्टार नहीं आ पाएगा। आ पाएगा क्या इस पे 3 स्टार? मेरे को लग रहा है आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। एक दो आर्चर यहाँ पे, ओके। बारबेरियन इधर से, दो बारबेरियन, ओके। एक बारबेरियन यहाँ से, ओके ओके। देखते हैं भाई आप आता है क्या 3 स्टार। मिनियन यहाँ से छोड़ दूँ, ठीक है भाई। अच्छा अटैक जा रहा है अभी तक तो। मिनियन टाउन हॉल को ले ले बस, मज़ा आ जाएगा। 2 स्टार भी आ जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं ले पाएंगे भाई, ये अटैक तो 1 स्टार ही रहेगा, क्योंकि यार इसका एयर डिफेंस अंदर रखा था, नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, 1 स्टार आया ना तो फटाफट फिर से हमें एक अटैक कर देते हैं तुरंत। इसमें कौन सा आर्मी ट्रेन करने की ज़रूरत है अपने को? ओके, इसको देखो भाई, इसको मैं कैसे निकालता हूँ 3 स्टार। अब देखो यहाँ पे मिनियन लेना होगा, आर्चर से इसका एयर डिफेंस कर दूंगा मैं क्लियर। इधर से भाई अपने मिनियन छोड़ दूंगा मैं, इधर से अपने मिनियन। देखो मिनियन देखो कैसे कुत्ता बना देंगे भाई इस बेस का। चल तो भाई आर्चर ने एयर डिफेंस निकाल दिया, अब देखना गाइस, अब देखना ये बेस कैसे चुटकियों में ख़त्म होगा। ओके 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 ओके। अरे भाई 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 भाई, हिडन टेस्ला ट्रिगर हो गया भाई उधर से, ये प्रॉब्लम वाली बात है यार। देखते हैं भाई मिनियन हिडन टेस्ला को कर पाते हैं या नहीं। ओके 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 ओके, नहीं यार मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। चलो 2 स्टार अटैक भी काफ़ी अच्छा है इस पर, इसको फिनिश कर देते हैं, नहीं हो पाएगा इससे आगे। तो यहाँ पे अपने पास 4 स्टार, एक अटैक हमने को 3 स्टार करना होगा, उसके बाद अपने को अच्छा खासा गोल्ड मिल जाएगा। अरे यार ये इतने हार्ड हार्ड बेस क्यों आ रहे हैं यार मेरे पे? ठीक है भाई, सोच लिया है इस पर कैसे अटैक करना है। ओके, 2 आर्चर यहाँ पे, 1 आर्चर यहाँ पे, ओके ओके। चल आर्चर, चल 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 चल, ओके भाई काफ़ी अच्छा अटैक जा रहा है, काफ़ी अच्छा अटैक। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भाई। यार आर्चर ये कहाँ बिजी हो गई है? ओके, ये आर्चर इधर जाएगी, अब इसको ले जाएगी। ठीक है भाई, इतना कॉम्प्लिकेट बेस अपन 3 स्टार कर सकते हैं क्या? क्या लगता है गाइस, क्या बोलते हो आप, हो पाएगा 3 स्टार? मेरे को तो लग रहा है अगर इस पर हिडन टेस्ला ना हुआ तो इजी 3 स्टार है फिर ये। फिर इस बेस में कुछ नहीं आया, लेकिन ये बेस मतलब थोड़ा बड़ा बेस था और काफ़ी अपग्रेड बेस भी था, मतलब मेरे बेस के मुकाबले काफ़ी अच्छा बेस था। तो देखते हैं भाई ये हो पाता। ओके ओके, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। हिडन टेस्ला ट्रिगर हो गया, इधर से वो मिनियन चला गया। चलो तो भाई इसको यही ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं अपने पास कितना गोल्ड हुआ, 98,000 गोल्ड है। तो अभी क्या करना होगा अपने को, इधर से कुछ एलिक्सर मिल जाएगी अपने को। ओके 96, तो अपन क्या कर सकते हैं यार इसका? कुछ नहीं कर सकते भाई अभी तो। हाँ यार कर तो सकते हैं, आर्चर टावर को लेवल 3 का अपग्रेड कर सकते हैं 60,000 में, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो फाइनली गाइज अपन ने दोनों विलेज की अच्छी खासी अपग्रेड कर ली है इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं बता दूं भाई, फ़िलहाल मैं वीडियो रात के 4 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4 बजे रिकॉर्ड, ताकि साउंड अच्छी आ सके। तो यार मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को।